एक खबर है जहां दिल्ली जाने वाला विमान रद्द कर दिया गया है। स्पाइस जेट की SC-472 विमान रद्द है, तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दिया गया है। इंजीनियरों की टीम ने विमान की जांच की, विमान में कुल 95 यात्री सवार थे। बता दें कि 4 घंटे तक विमान में ही यात्री बैठे रहे, तकनीकी खराबी आई, दूसरे विमान से भेजने की अब व्यवस्था की जा रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या खराबी आई जिस वजह से उड़ान या फ्लाइट नहीं बढ़ सकी? देखिए राहुल, तकनीकी खराबी होने की बात सामने आ रही है और जो उड़ान है AC-472 उसको रद्द किया गया, और रद्द करने के बाद यात्री जो है वो काफी परेशान हो गए। 4 घंटे तक 95 यात्री जो सवार थे वो प्लेन के अंदर ही बैठे रहे। देर रात विमान को रद्द करने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद यात्रियों को वहां से डिबोर्ड कराया गया। कंपनी की ओर से यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की व्यवस्था की गई है और देर रात तक दूसरा विमान उपलब्ध नहीं कराया सका। तकरीबन 35 ऐसे यात्री थे जो रात भर एयरपोर्ट परिसर में ही रुके रहे। कई ने अपना टिकट कैंसिल करवाया और कई यात्री वापस लौट गए। दूसरे जो यात्री थे उनके लिए दूसरे फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल रहा और यात्रियों ने हंगामा भी किया। आखिरकार धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया गया, लेकिन यात्रियों ने स्पाइस जेट प्रबंधन की काफी शिकायत की और इसको लेकर काफी देर तक बवाल होता रहा। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में एक और युवक की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई गई है। हथौड़ी के बीजीवर गांव में अब तक 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। पहले श्याम सहनी और अब मुकेश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकेश सहनी की पहले आंखों की रोशनी गई और पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने जहरीली शराब से दोनों की मौत की बात कही है। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने मुकेश सहनी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस प्रशासन जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। ये जान गए कि खाली शराब पी कर आए, आसपास ही पिए थे या फिर कहीं बाहर हुआ तो फिर क्या इसका? नहीं, घर नहीं पिए थे। अब बाहर पिए कि कहाँ पिए हम नहीं बताएंगे, देखेंगे तभी ना कहेंगे कि घर पिए कि कहाँ पिए। यही बात पता चला था कि शराब पिए खाली? ये जान गए कि शराब पी कर आए। आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं। खबर छपरा से है, जहां के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से बीमार एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम मुमताज है। दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद मुमताज को इलाज के लिए पटना PMCH में भर्ती कराया गया था, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया।